तो दोस्तों आज मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गाजर है और पोमीग्रेनेट है और अनारदाने भी हैं। तो भाई आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो आप सभी की बहुत डिमांड थी कि मैम आप बताइए कि आप स्किन केयर के लिए क्या करती हैं। ये वाली जो ड्रिंक है ना, कोशिश करती हूँ मैं हफ्ते में एक से दो बार ले पाऊँ। काफ़ी हेल्दी ड्रिंक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, रिच सोर्स है आयरन का, आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। इवन स्किन पे जो वो दाने हैं और छोटे छोटे हो जाता है ना, वो भी इससे चले जाएंगे, विद इन 5 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो चीज़ें ले लेनी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर दो गाजर ले ली है, ऑरेंज वाली गाजर जो हमेशा हमें मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। आप इनका हेड और टेल कट करके पहले इनकी स्किन निकाल लीजिए और उसके बाद इसे एक बार वॉश करके इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करेंगे। जितना पतला एंड छोटा पॉसिबल होगा हम उतना ऐसे कट करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर बीट रूट ले लिया है दोस्तों। यहाँ पर बीट रूट जो है वो कच्चा है, बॉयल्ड नहीं है, और उसको इस तरीके से पहले इसकी स्किन निकालेंगे एंड इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। बीट रूट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड साथ ही ये वाला जो जूस है ना, उसमें इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। तो डेफिनेटली आपको एक बीट रूट इसमें ऐड करना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक मिक्सर जार में या फिर ब्लेंडर जार में ऐड कर लेंगे। कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी जार आप इस्तेमाल करें ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो साइज़ में। जितना भी जो भी सबसे बड़ा जार हो ना आपके पास, आप वो यूज़ कर लीजिए। अब दोस्तों ये वाला जो जूस होता है ना, इसको हमें हेल्दी बनाना होता है, बट अगर इसमें थोड़ी सी भी फ्लेवर्स ना हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, 3 से 4 इसमें डेट्स डाल देती हूँ बीज निकाल कर। उससे क्या है, इसमें हल्की सी एक मिठास आ जाती है एंड इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है। 1 कप हम इसमें डालेंगे अनारदाने। अनारदाने को आपको वॉश करने के बाद ही इसमें यूज़ करना है। अब इनके साथ मैंने एक बड़ा वाला ग्लास इसमें पानी डाल दिया। जितना भी पानी आ सके इस ब्लेंडर जार में पहले वो ऐड कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। एकदम इसकी पेस्ट हो जाए उतना हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। मेरे पास जार बड़ा है तो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी एक ही बार में डाल देती हूँ जितना पॉसिबल होता है। अगर आपके पास छोटा वाला जार हो ना तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, पहले एक बार इसका आप पानी निकाल दीजिएगा स्क्वीज़ करके, फिर से उस मसाले में फिर से थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जूस आप निकाल पाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगा हमारे लिए। तो ये जो पल्प बचेगी ना, इसको फिर से मिक्सर जार में डाल देना और फिर से थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छन्नी की मदद ले ली है और छन्नी की मदद से जितना भी जूस है उसको अलग कर लेंगे और पल्प को सेपरेट कर लेंगे। जितना कोशिश करेंगे स्क्वीज़ कर सकते हैं उतना हम इसे स्क्वीज़ कर लेंगे और उसके बाद हम एक हेल्दी सा जूस बनकर हमारा जो है तैयार हो जाएगा। और इसे बनाने में हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। ये जो जूस है इतना ज़्यादा टेस्टी है, आप घर में बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़ों को पिला सकते हैं, इसका टेस्ट भी आपको पसंद आएगा और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे गर्मियों का टाइम है ना, तो आप इसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए, उससे ये और ठंडा ठंडा भी हो जाएगा, वरना आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो हफ्ते में मैं कोशिश करती हूँ एक बार इस ड्रिंक को ज़रूर लूँ या फिर जब भी मेरे पास इसका सामान अवेलेबल हो जाता है ना, मैं इसे बना लेती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ हेल्दी ड्रिंक की तलाश कर रहे हैं तो इसे एक बार ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। बाय।